मैं बहुत सी मजबूरी और बेबसी की हालत में आई और इन लोगों ने इस बेबसी में भी मुझे कबूल कर लिया। अल्लाह ताला ने ये जो खैर अता फरमाया। अगर मेरे गैरतदार बेटे देख रहे हैं और उन्हें गैरत आ जाए तो वो आ जाए और आके, अब मैं जाऊंगी तो नहीं उनके साथ, मगर आप मुझसे मिल लें, अपनी माफ़ी तैराकी कर लें अल्लाह से। मौत का कोई भरोसा नहीं है, मौत हमारे सर का है, वक्त खड़ी है, उस वक्त क्या जवाब दोगे उस रब जलील के सामने कि मैंने क्या सलूक अपनी माँ के साथ किया और मुझे इस चीज़ का क्या अजर परवरदिगार देगा। मैं एक अदारा है यहाँ पर डिफेंस में बिंत फातिमा के नाम से, वहाँ से मैं आप लोगों से रब्ता करना चाह रही हूँ। अगर आप आ जाए मुझसे मिल लें, ये मेरी ख्वाहिश है। मौजूदगी का बेटा कोई भरोसा नहीं है, आ जाओ माफ़ी तलाफी कर लो, क्योंकि जिस वक्त हम उस रब जलील के सामने खड़े होंगे उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे मेरे बच्चे। माँ तुम्हारी तड़पती रहेगी और तुम लोग सर झुका के खड़े रहोगे, इसलिए तुमको खुदा और रसूल का वास्ता दे के कह रहे हैं तुम आ जाओ, आके देख लो, इनके दिलों को भी देखो और अपने दिल को भी देखो कि औलाद होने के बावजूद भी तुमने हमारे साथ क्या सलूक किया। खुद ऐश में इशरत में 50-50 हजार की गाड़ियों में रह रहे, अम्मा जो है खुआरी के धक्के खा रही है। चलो बेटा कोई बात नहीं है, ये आरजी दुनिया है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, इसमें कुछ भी नहीं है।